हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते सबको, मैं हूं इस टाइम पे एबीपी न्यूज के ऊपर रवि जैन भाई साहब के साथ, और आज मैं इनका लूंगा इंटरव्यू। मेरा नाम है गुरु रंधावा और मेरे साथ बने रहिए अगले 15 मिनट के लिए। थैंक यू। मैंने ऐसा कोई काम अभी तक नहीं किया कि कोई मेरा इंटरव्यू ले, तो इसलिए ये मौका मुझे मिलना चाहिए। ये देखो, ये भी काम है जो आप कर रहे हो, सबका इंटरव्यू ले रहे हो। आई थिंक ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है, क्योंकि आप मीडियम हो हम जैसे आर्टिस्टों को दुनिया तक पहुंचाने का, और इसलिए आपका इंटरव्यू साथ साथ मैं लेता रहूंगा। आपने कब शुरू करा है? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है बताने के लिए, ना मैं इतना फेमस हूँ। तो आपने ब्रांड कौन सा पहना हुआ है? बहुत ही साधारण, मुझे एम्बैरेस मत कीजिए। अरे नहीं नहीं भाई, ये मैंने भी साधारण पहना हुआ है, मेरा भी मुझे पता नहीं है कौन सा ब्रांड है, फ्री के कपड़े हैं। चलिए सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका नया सिंगल आया है सुरमा सुरमा, काफी हिट हुआ है। अभी हो गया हिट कह तो रहे हैं लोग, कह रहे हैं ना। देखो लोगों के, आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है अभी ठीक है जितना हुआ है, बट अभी वो उसको अभी टाइम लगेगा। आई थिंक 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने में होगा हिट। अभी उसको हिट बोलना तो गलत चीज है, क्योंकि अभी तो लोग सुनेंगे, अभी उसको एंजॉय करेंगे, अभी झूमेंगे, अभी गाएंगे, अभी नाचेंगे। सभी विनम्रता मॉडेस्टी कहते हैं जो आप कह रहे हैं अभी। नहीं बिल्कुल, मैं सच्चाई के साथ रहता हूं, और लोगों के कहने से या बाहर कह रहे हैं ठीक है सुना होगा गाना, बट इसको हम सुपर हिट नहीं कह सकते, अभी सुपर हिट होने में टाइम है। उस पायदान की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है ये गाना। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा, और जरूर बढ़ेगा। तो गुरु ये बताइए कि इस गाने के पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या था जब आप ये गाना बना रहे थे, और कितना मजा आया इस गाने को शूट करते हुए? आपने कोलैबोरेशन भी किया है जिन शॉन के साथ। आई थिंक गाने मैं हमेशा ही कोशिश करता हूं कि ऐसे बने जो सब सुन सकें। अगर कोई बच्चा सुन रहा है, उसकी मम्मी साथ बैठी है, डैडी बैठे हैं, तो वो भी सुन सके। उसका दादा दादी बैठा तो वो भी सुन सके। अगर दादा दादी गाने सुन रहे हैं तो बच्चे आ गए तो वो भी सुन सके, देख सके। तो उतनी ही मेहनत रहती है हमेशा, ऑलवेज गानों को लेके, और कोशिश रहती है कि अच्छे गाने बने, अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाई जाए। अच्छा, ये बताइए कि आपने बहुत बड़े बड़े हिट गाने दिए हैं जिन्हें हिंदी फिल्मों में काफी इस्तेमाल किया गया है, चाहे सूट सूट करदा हो, लाहौर हो, पटोला हो, रिमिक्स भी काफी आए हैं। आपकी जो जर्नी है, मतलब आपको बहुत जल्दी सफलता मिल गई, बहुत लोगों को सालों साल संघर्ष करना पड़ता है। आपने कुछ साल पहले शुरू किया था 2013 में आई थिंक, और आपको बहुत जल्दी सफलता मिली। इस पूरी जर्नी को आप किस तरह से देखते हैं, जो आपको इंस्टेंट नेम फेम मिला है इंटरनेशनल लेवल? आई थिंक सबसे पहले तो आपके घर वालों की ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि आप घर से निकलते हो, घर जाते हो रोज। उसके बाद आपकी टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बाद आपका रेकॉर्ड लेबल विश्वास रखे आपके ऊपर, और फिर ऑडियंस जब आपको सुनती है, टाइम देती है, और फिर आप ऑडियंस के लिए जीते हो, उनके लिए गाने बनाते हो, तो जब सब कुछ मिलता है तो सफलता मिलती ही मिलती है। आपके हार्डवर्क को भगवान चार चांद लगाते हैं, और मैं भी थैंक यू करता हूँ सारी ऑडियंस का जिन्होंने मेरे को पहले दिन से सुना, पहले दिन से अप्रिशिएट करा, और मैं उन्हीं के लिए गाने बनाता रहूंगा सारी जिंदगी। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि लोगों ने मेरे को चूज करा इतने जनों में से, क्योंकि सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग उतना ही हार्डवर्क करते हैं, और मैं चाहता हूँ सारे आर्टिस्टों को उतना ही फेम मिले, उतना ही नाम कमाए सब जितना वो सोचते हैं। गुरु मैंने सुना है कि आपने पहले MBA किया था, और उसके बाद आपको गायकी में इंटरेस्ट आया। आपने MBA छोड़ कर... मैंने पहले गायकी में इंटरेस्ट था, मैंने उसके दौरान MBA करा है। अच्छा, तो क्या वो बात थी कि आपको लगा कि नहीं MBA जो आपने डिग्री हासिल की है उस क्षेत्र में नहीं जाना है? वैसे ही करी थी पढ़ाई के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है आपको पढ़े लिखे होना, बाकी सब काम बाद में आते हैं। सो मैं पहले गाता था, फिर मैंने पढ़ाई करी। पढ़ाई से क्या होता है कि आपको सोसाइटी का पता चलता है, पढ़ाई से आपको बात करने का पता चलता है, पढ़ाई से आपको बाहर अंदर जाने का पता चलता है, पढ़ाई से आपको और चीजें ऐसी आती हैं कि आप लोग अपने आप को सोसाइटी में स्टेबल रख सकते हो।
तो वो बहुत जरूरी होता है, तो मैंने भी वो पढ़ाई करी कंप्लीट अपनी। एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है मार्केटिंग इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए। देखो अब मार्केटिंग की तो है, अब वो काम आ रहा है, बिल्कुल काम आ रहा है। मैं अपने गानों पे सब कुछ लगाता हूँ जो मैंने एमबीए में सीखा है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप बताएं कि आपको गायकी में रुचि जो है, इंटरेस्ट कब से आया और कब से आपने शुरुआत की। और हमने सुना है कि फिल्मों के लिए गाने के लिए या सिंगल्स गाने से पहले आप छोटी छोटी पार्टियों में, शादियों में गाया करते थे। अगर उस दौर के बारे में कुछ हमें बता सके, कैसे शुरुआत की, क्या संघर्ष का दौर देखा? आई थिंक संघर्ष नहीं होता, ये शुरुआत होती है। हर एक आर्टिस्ट, या तो आपके मॉम डैड बहुत बड़े सुपरस्टार्स हों, तो आपको वैसी जगह में नहीं गाना पड़ता, आप सीधा लॉन्च होते हो। उसके बाद हिट होना, फ्लॉप होना, वो किसी के हाथ में भी नहीं है। बट जब आपकी बैकग्राउंड ना हो म्यूजिक की, मेरे घर से कोई नहीं गाता, ना ही मेरे घर में कोई सुपरस्टार है पहले, तो तब आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। और उस स्ट्रगल का मजा होता है, उस स्ट्रगल का आनंद होता है, क्योंकि अगर आपने वो स्ट्रगल करा है तो बाद में सक्सेस जब मिलता है तो मजा आता है चीज को देखने में। तो मैंने भी गाया है, सब गाते हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूं कि मैंने कोई तीर मारे हैं आगे। उस दौर के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएंगे। जब आप बस गाते थे, मेरे को होता था कि मेरे से गवाओ, मैं और गाना चाहता हूँ, और गाते गाते फिर रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी, फिर गाने लॉन्च करने शुरू कर दिए। सो इट्स ऑल पॉजिटिव, कोई ऐसा नहीं। अच्छा गुरु, सच सच बताएगा, कई शादियां आपने अटेंड की, मैंने भी शादियां कई अटेंड किए, एक गायक का या एक कलाकार का जितना डिसरेस्पेक्ट किसी शादी में होता है कि एक गायक गा रहा होता है, लोग खाना खा रहे होते हैं, अपने में लगे होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप छोटी छोटी जगहों पर या शादियों में गाते थे, कभी आपको ऐसा ह्यूमिलेटेड फील हुआ? कभी बहुत अजीब सा इंसिडेंट आपके साथ हुआ? नहीं नहीं, तब भी नहीं, अब भी नहीं। अब भी क्या होता है शादियों में, जब हम अब भी गाते हैं, अब तो लोग इतने पैसे देके बुला रहे हैं हमें शादियों के लिए, इतना खर्चा करते हैं, तो उसमें भी आई थिंक 70% लोग नाच रहे होते हैं, बाकी खा ही रहे होते हैं। सो खाने के लिए ही हम दुनिया में आए हैं, उसके लिए गाने के लिए आए हैं। उसके बाद तो अटेंशन बहुत कम देते हैं लोग शादियों में, जब कोई कलाकार परफॉर्म कर रहा होता है तो अटेंशन नहीं होता, तो ऐसा कभी आपने फील किया? पूरी अटेंशन मिलती है अब भी, तब नहीं मिलती थी पहले पहले, क्योंकि वो कोई जानता नहीं था, मशहूर। ऑटोमेटिक सी बात है, वो ऑटोमेटिक सी बात है, दैट्स वेरी बट ऑब्वियस, क्योंकि अगर आपको नहीं कोई जानता तो सिर्फ लोग सुन रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। बट अब अगर नहीं कोई सुनेगा तो वो उनका ही लॉस है, इतने पैसे देके बुलाया है तो हम आए, हमें तो पैसे मिल गए भाई, नहीं सुनना सुनो सुनना। बट भगवान की इतनी मेहर है कि जिस भी किसी शादी में, प्राइवेट फंक्शन में जाके गाया है तो बहुत अप्रिसिएशन मिली है। लोगों के लिए ही गाते हैं हम लोग सारे आर्टिस्ट, और लोग ही प्यार करते हैं हमें। सो वो अब तो इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। आपके भी कई गाने रिमिक्स किए गए हैं, काफी पॉपुलर हुए, सूट सूट करदा, पटोला गाना, पूरे ये रिमिक्स का जो सीन है, कई तरह कई जगहों से आलोचनाएं होती हैं कि यार पुराने गानों को टच नहीं करना चाहिए। हालांकि आपके गाने तो नए हैं, लेकिन क्लासिकल गानों को भी, बहुत पुराने जो क्लासिक का दर्जा रखते हैं, उन गानों को भी रिमिक्स किया जाता है, और कहा जाता है कि आज की जो पीढ़ी है उन गानों से वाकिफ नहीं है और उनके लिए गाने बनाए जा रहे हैं। आपको अगर कोई 60-70-80 का दशक का गाना पसंद हो और उसे रिमिक्स कर दिया जाए, तो क्या आपको वो चीजें पसंद आती है? आप किस तरह से देखते हैं? मैं चाहता हूं और मैं ऐसा सोचता हूं कि जिसने गाना गाया उसी से गवाओ, और उन लोगों को साथ लेके गाना बनाओ, चाहे नए लोग भी साथ जुड़े बट पुराने लोगों को भी साथ रखो। एंड आई थिंक और रिमिक्स में मजा आएगा, क्योंकि वो पुरानी ऑडियंस नई ऑडियंस दोनों जुड़ सकती है उसके साथ। और बाकी भाई देखो, हम, आप, मैं, भाई साहब, ये मैम, हम कोई नहीं होते कुछ भी कहने वाले। हम अपने आप को सुधार लें वही बहुत है, हम अपनी लाइफ सुंदर कर लें वही बहुत है। ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की बात है, वो उनका जो मन करेगा वो वही करेंगे, क्योंकि उनको एनीवेज अपनी फिल्म सुपरहिट करनी है, वो फिल्म सुपरहिट के लिए कुछ भी करेंगे, और आई थिंक वो जायज भी है, उनका उनके एफर्ट्स लगे हुए हैं। बट यस, नए गाने भी आए, पुराने भी आए, जिसको जैसे आना आए, बट जो ओरिजिनल क्रिएटर है गाने का उसको जरूर क्रेडिट मिलना चाहिए। अच्छा, क्रेडिट मिलना चाहिए, मतलब उनका हक नहीं मारा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गुरु, पंजाब में एक ट्रेंड है कि कई जो गायक हैं वो अभिनेता भी हैं, एक्टर्स भी हैं, और काफी पॉपुलर भी हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं। आपको ऐसा कोई मौका मिला या आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं? मेरे को मौके मौके हैं, बट मैं नहीं चाहता अभी आना इस चीज में, क्योंकि मैं अपनी गायकी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, मुझे मजा आता है गाना गा के ही सिर्फ। और कल को अगर भगवान ने चाहा कुछ ऐसी बात हुई तो जरूर आएंगे एक्टिंग में भी।
अच्छा, ऐसे ऐसे पंजाबी जो गायक और अभिनेता है वो हिंदी फिल्मों में भी काफी अच्छा कर, दिलजीत दोसांझ की बात हो, बादशाह हो, एक्टिंग भी कर रहे हैं, आपको ऐसा टेम्पटिंग नहीं लगता कि यार एक्टिंग भी करो और पॉपुलर हो जाओ? नहीं, इससे अब पॉपुलर ज्यादा ज्यादा पॉपुलरिटी भी खराब होती है जब आप अपने काम से हटके कोई काम करते हो। बाकी आई थिंक जिनको एक्टिंग आती है वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को यार एक्टिंग आती नहीं है तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं अपने हिंदुस्तान के म्यूजिक को और कैसे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊं। हिंदुस्तान में तो हमने अभी जलवा करा हुआ है, बट बाहरले देशों में भी कैसे गाना लेके जाया जाए, जैसे हमने पिटबुल के साथ गाना करा था, तो आई थिंक वो उससे पॉपुलर ज्यादा बॉलीवुड से तो पॉपुलर या हॉलीवुड के नहीं है ना, तो हो गया, वो जस्टिफाइड है। ये बताइए कि लाइव जब आप परफॉर्म कर रहे होते, मैंने पुणे में एक कंसर्ट देखा था सलमान खान का, दबंग टूर में, और कैमरामैन रवि थे वहां पर, और हमने आपको वहां लाइव परफॉर्म करते देखा, तो बहुत इलेक्ट्रिफाइंग माहौल होता है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कैसा आप महसूस करते लाइव ऑडियंस के सामने, हजारों लोग आपके सामने तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं? सर आई थिंक वही वही एक सबसे बड़ा अवार्ड है एक आर्टिस्ट के लिए, जब लोग आपका गाना लाइव शो में गाते हैं आपके साथ, आपको अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं वो गाना सुनाओ ये सुनाओ। आई थिंक दैट्स द बेस्ट अवार्ड एनी आर्टिस्ट कैन गेट फ्रॉम द ऑडियंस, एंड उसके लिए सारी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है फ्रॉम डे वन। चलिए आप बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि आपका जो करियर है उसमें कौन सा गाना था जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? और आपकी मेरा पहला गाना वो शायद आपने ना सुना, उसका नाम था सेम गर्ल, 2012 में आया था वो गाना, और वो ना आता तो आज ये ना आता। थोड़ा सा गुनगुना। हाय ओदे जेही सोनी तू वेखी नहीं होनी, लख पतला रंग गोरा है ओदे कोल औड़ी ते पौंदी अरमानी, आ दिल लै गई मर जानी। और हम चाहेंगे कि ये जो आपका नया गाना आया है सूरमा सूरमा, उसकी चंद लाइनें अगर आप गा दें और उससे इंटरव्यू हम खत्म करें तो बहुत अच्छा होगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका गाने को देखने के लिए, सुनने के लिए, और सारे गानों को सुनने के लिए, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी और भी आर्टिस्ट का हो, क्योंकि आप ही की वजह से आर्टिस्ट का नाम होता है, आप ही की वजह से आर्टिस्ट का घर चलता है, सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गाना मेरी तरफ से, एबीपी न्यूज की तरफ से आप सबके लिए। अखियां चपा के नी तू सुरमा सुरमा, सिखिया तू दस कितों तुरना तुरना, आ जेड़ा सूट तू पाया पाया, सब पुछदे ने कितों मिलदा आ, काली तेरी गुत्त गोल मोड़ लग हिलदा आ। थैंक यू सो मच। चलिए गुरु, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही एक से बढ़कर एक जो हिट गाने और मीनिंगफुल गाने आप लोगों के लिए गाएं और उनका मनोरंजन करते रहें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, एंड बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।